तो हेलो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूं। तो मैं हूं इस वक्त कानपुर में और आज आपको इस वीडियो में देने वाला हूं कानपुर मेट्रो की अपडेट। जी हां, फेज़ वन का जो काम हो रहा है चुन्नीगंज से लेकर झकरकटी होते हुए नौबस्ता की तरफ ये जा रहा है जो मेट्रो रूट है। तो मैं हूँ इस वक्त कानपुर के माल रोड चौराहे पर और यहाँ से वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो जो लोग भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो भाई सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कानपुर मेट्रो का फेज़ वन का काम जो है वो कानपुर आईआईटी से लेकर मोती झील तक का एक रूट चालू हो चुका है। मोती झील के बाद से चुन्नीगंज से अंडरग्राउंड के मेट्रो का काम चल रहा है। चुन्नीगंज से लेकर आपको कानपुर सेंट्रल के आगे झकरकटी तक अंडरग्राउंड मिलने वाली है। इसके बाद वो रूट एलिवेटेड हो जाएगा, ठीक है। माल रोड चौराहे पर जो आपने देखा अभी काम चल रहा है, यहाँ से रास्ता था जाने का, फिलहाल यहाँ इसको बंद करके रखा हुआ है। बड़ी बड़ी मशीनें यहाँ पर काम कर रही हैं। अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन तैयार किए जा रहे हैं। जुलाई में ही इसका ट्रायल होना था, यानी चुन्नीगंज से लेकर नायगंज के बीच का अंडरग्राउंड मेट्रो का ट्रायल होना था और नवंबर 2024 तक इस रूट को चालू भी करना था। देखिए इसका कोई नया अपडेट नहीं आया है, अंदर ट्रायल हुआ है कि नहीं हुआ है, लेकिन नवंबर भी देख लेंगे चालू होता है कि नहीं होता है। फिलहाल कानपुर मेट्रो के फेज़ वन का काम जो है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से चल रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं फेज़ टू का काम यानी कॉरिडोर टू का काम भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से स्टार्ट कर दिया गया है। रावतपुर मेट्रो स्टेशन के जस्ट बगल में जो रोडवेज़ का बस स्टॉप या वर्कशॉप था उसको हटाकर वहाँ पर मेट्रो का स्टेशन बनाया जा रहा है जो कि अंडरग्राउंड होने वाला है। उसके ऊपर ही उसको मेट्रो के सारे स्पेयर वगैरह या मशीनरी वगैरह कह लीजिए जो इसके लिए काम करेंगी वो वहाँ पर खड़ी हैं, ठीक है। वहाँ से रावतपुर से वो रूट स्टार्ट होगा, ठीक है, कॉरिडोर टू का, जो कि लगभग 8 किलोमीटर का रूट होने वाला है। बर्रा एट तक जाएगा जिसमें स्टेशन आपको मिलने वाला है काकादेव, डबल पुलिया विजयनगर होते हुए बर्रा एट तक ये रूट जाने वाला है, जिसका अपडेट जल्दी मैं आपको अगले पार्ट में दूंगा। फिलहाल हम चलते हैं यहाँ से, आगे का वीडियो आपको दिखाते हैं, ठीक है। तो भाई मुझे इस वीडियो में वॉइस ओवर करना पड़ गया है क्योंकि रिकॉर्डिंग के दौरान मेरा माइक ऑन नहीं था। मैं पूरा एक बार में मैंने पूरी रिकॉर्डिंग की, ठीक है, उसके बाद जब मैंने एडिटिंग में चेक किया तो इसमें आवाज़ थी ही नहीं, सिर्फ ट्रैफिक की आवाज़ थी क्योंकि माइक मेरा ऑन नहीं था, कैमरे के ही माइक से रिकॉर्डिंग हुई और कैमरा जो है मेरे मुंह के आगे था, मैं जस्ट पीछे बोल रहा था तो बहुत स्लो आवाज़ मेरी रिकॉर्ड हुई है जिससे आपको दिक्कत होती, ठीक है, इसलिए मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा है। फिलहाल ये देखिए मैं आ चुका हूँ पंचक्की चौराहा और यहाँ से मैं लेफ़्ट ले रहा हूँ। देखिए यहाँ पर अक्सर आपको चेकिंग वगैरह मिल सकती है तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखें, ठीक है, अपने कागज़ गाड़ी के कागज़ हेलमेट वगैरह सब साथ में लेकर चलें। सेफ्टी है भाई, हेलमेट आपके लिए ही है, ऐसे पुलिस वालों को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, ट्रैफिक वालों को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, आपके लिए है, ठीक है। फिलहाल हम चल रहे हैं सीधे आगे चौराहे पे से, फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर क्या प्रोसेस है मेट्रो की। तो भाई पहले मैंने आपको बड़े चौराहा साइड से मेट्रो की अपडेट देने की सोची थी, लेकिन अब मैं आ गया हूँ सेंट्रल की तरफ क्योंकि यहाँ से ही मैं चलूँगा एलिवेटेड रूट की तरफ, क्योंकि अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन तो शायद ही मैं आपको अंदर से दिखा पाता, लेकिन जो जानकारी थी उसके ट्रायल की, उसके रन को लेकर कब से स्टार्ट होगा वो मैंने दे दी है। लेकिन अब यहाँ सेंट्रल से होते हुए चलते हैं हम जहाँ पर एलिवेटेड रूट हो रहा है, क्योंकि सेंट्रल भी अंडरग्राउंड होने वाला है, झकरकटी भी अंडरग्राउंड होने वाला है, ठीक है। मैं इस वक्त हूँ घंटाघर चौराहे पर, ठीक है, आप देख सकते हैं सामने ही है कानपुर सेंट्रल जहाँ पर मेट्रो स्टेशन का भी काम हो रहा है और कानपुर स्टेशन एक्सटेंशन का भी काम हो रहा है, क्योंकि इसमें मैंने सुना है 2 प्लेटफॉर्म और बढ़ाए जा रहे हैं। इससे पहले भी मैंने वीडियो डाला था कानपुर सेंट्रल पर, कानपुर सेंट्रल के ऊपर जब मैंने वीडियो डाला था तो उसमें आपको डिटेल दी थी। फिलहाल हम चलते हैं सीधा झकरकटी की तरफ, यहाँ से राइट हम लेंगे, झकरकटी चले जाएँगे, ठीक है। ये देखिए ये इधर चलेंगे राइट साइड पर हम झकरकटी, और हमारे लेफ्ट जो आप देख रहे हैं वो कानपुर सेंट्रल साइड रास्ता गया है जहाँ पर अभी मेट्रो का काम चल रहा है जिसमें पार्किंग को डाइवर्ट किया गया है, ठीक है। तो फिलहाल राइट साइड चलते हैं हम झकरकटी, टाटमिल चौराहा पार करते हुए सीधा निकल चलेंगे हम, ठीक है। ये देखिए भाई यहाँ से कुछ समझ में आ रहा होगा लेकिन कीचड़ वगैरह है, काफ़ी ज़्यादा सामान फैला हुआ है तो एग्जैक्ट कुछ समझ में नहीं आएगा यहाँ से कि कहाँ पर क्या चीज़ बन रही है। लेकिन कानपुर सेंट्रल जो मेट्रो स्टेशन होने वाला है वो अंडरग्राउंड है, इसी के बगल में कानपुर सेंट्रल के जो डेवलपमेंट चल रहा है, कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन का जो नया डेवलपमेंट चल रहा है वो भी बगल में ही काम चल रहा है, तो दोनों में फ़र्क बता पाना यहाँ से थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन हमारे लेफ्ट साइड का जो काम देख पा रहे हैं शायद ये ही है मेट्रो का काम, और जो कि अंडरग्राउंड होने वाला है। इसके बाद से यहाँ मेट्रो जो है यहाँ से सीधा झकरकटी की तरफ निकल जाएगी, तो हम चलते हैं वहाँ पर और आपको आगे बस स्टॉप का जो मेट्रो स्टेशन बन रहा था वो दिखाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए भाई, तो भाई ये देखिए हम पहुंच चुके हैं डाटमिल चौराहा, सिग्नल हो चुका है ऑन, यहाँ से राइट लेंगे हम, राइट लेते ही हमें मिलने वाला झकरकटी बस स्टॉप, ठीक है। सीधे चले जाएंगे तो ढकनापुरवा होते हुए किदवई नगर साइड पहुंच जाएंगे, लेफ्ट साइड हम चले जाते हैं रामादेवी साइड, लेकिन राइट साइड हमें मिलने वाला है झकरकटी बस स्टॉप, ठीक है। सामने ही है एक ओवरब्रिज पड़ेगा, उससे बगल में ही है झकरकटी।
तो ये देखिए भाई, लगभग हम बस स्टॉप पहुंच चुके हैं और सामने जो आप बिल्डिंग देख पा रहे हैं वो झगरकटी मेट्रो स्टेशन की बिल्डिंग है, क्योंकि अंडरग्राउंड होने वाला है मेट्रो स्टेशन। ऊपर की ये बिल्डिंग जो है कॉम्प्लेक्स के तौर पर काम करेगी, ठीक है। सामने ही है बस अड्डा और सीधे अगर ओवरब्रिज को पार करके चले जाएंगे तो हम सीधा अनवरगंज रावतपुर होते हुए कानपुर यूनिवर्सिटी की तरफ चले जाएंगे। ये देखिए फिलहाल हम जा रहे हैं बस स्टॉप के अंदर, यहाँ से ही सीधा हम चले जाएंगे। इसको पार करते हुए दूसरी साइड का हमें रास्ता मिल जाएगा, क्योंकि इसके अंदर से मैं एक बार और आया था भाई, उस तरफ से देखा होगा आपने मेरे पिछली वीडियो में। और ये देखिए सामने जो बिल्डिंग है इसको तैयार किया जा रहा है। इसके पहले वीडियो में आपने देखा होगा इसकी ढलाई शायद नहीं हुई थी, लेकिन अभी इसकी ढलाई, ऊपर की बीमें वगैरह ढल चुकी हैं। ये देख लिए भाई, ये बिल्डिंग बन रही है झकरकटी मेट्रो स्टेशन के ऊपर। ये देख सकते हैं आप, बस स्टॉप है। यहाँ से आपको हर जगह की बसेज मिल जाएंगी भाई, फिर वो लखनऊ हो, झांसी हो, प्रयागराज हो, अयोध्या हो, कहीं भी अगर आपको जाना है, दिल्ली वगैरह, तो यहाँ से आपको बसेज आसानी से मिल जाएंगी। तो भाई ये आप देख सकते हैं, हम आ चुके हैं बस स्टॉप के आगे यानी पीछे की तरफ, ठीक है। यहाँ से अगर हम लेफ़्ट लेंगे तो एक दो क्रॉसिंग यहाँ पर पड़ेंगे हमें, उस क्रॉसिंग को जैसे ही हम पार करेंगे तो हमें मेट्रो रूट मिल जाएगा जो अंडरग्राउंड है, उसके साइड में ऊपरी ऊपर हम चलेंगे, ठीक है। तो आगे ले चलते हैं आपको जहाँ पर एलिवेटेड हो जाएगी मेट्रो, वो रूट भी आपको दिखाते हैं। देखिए झकरकटी बस स्टॉप के पीछे दो रेलवे क्रॉसिंग पड़ती हैं, एक ये जो आप सामने क्रॉसिंग देख पा रहे हैं ये सीधे ले जाती है पिट लाइन की तरफ यानी वॉशिंग लाइन की तरफ, जहाँ पर श्रम शक्ति वगैरह की मेंटेनेंस की जाती है, ठीक है। ये सुजातगंज साइड पर पड़ता है हमारे लेफ्ट साइड, ठीक है। सीधे चल रहे हैं आगे, दूसरी जो क्रॉसिंग है वो गुड्स ट्रेनों की है जो बगैर कानपुर सेंट्रल में एंटर हुए बाहरी बाहर निकल जाती हैं चंदारी की तरफ, ठीक है। तो सामने ही जो आप रेलवे ट्रैक देखने वाले हैं वो जो मिल रहा है हमें, वो सीधा ही कानपुर स्टेशन से बाहर निकल जाता है, क्योंकि रात में एक ट्रेन यहाँ से पास होती है जो कानपुर सेंट्रल भी नहीं रुकती है, हावड़ा दिल्ली दुरंतो है, वो यहाँ कानपुर में नहीं रुकती, सीधा इसी रूट से निकल जाती है जहाँ से गुड्स ट्रेनें पास होती हैं। मैं आपको इस वीडियो में कानपुर मेट्रो के साथ साथ इंडियन रेलवेज़ की भी कुछ जानकारी देते हुए चल रहा हूँ। फिलहाल ये क्रॉसिंग देखिए हम क्रॉस कर रहे हैं, लेफ़्ट साइड हम निकल जाएंगे तो हावड़ा साइड चली जाएगी। ये देखिए चचा पड़े हुए हैं पटरी पर, अगर कोई ट्रेन आ जाएगी तो इनका धड़ा नीचे ही रह जाएगा, मुंडी उछल के पता नहीं कहाँ गिरेगी, और आराम कर रहे हैं भाई, यहाँ पर कोई हटाने वाला भी नहीं है इनको। गर्म इतनी ज़्यादा है, बारिश हुई है जिसकी वजह से थोड़ी और उमस हो गई है भाई। गली में काम चल रहा है, भैया रील आ गई थी गले पे नीचे हमारे, अभी तो यहीं हलाल कर देती है हमको। तो ये देखिए मैं इस गली में आया हूँ, यहाँ पर आपको काम दिखा रहा हूँ अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन का, ठीक है। पिछली बार भी मैं आया था इस गली में और इस बार भी आ गया हूँ मैं सिर्फ आपके लिए, और मुझे अंदाज़ा नहीं है कि यहाँ कोई गड्ढा है कि नहीं है भाई, पाइप पानी यानी भरा है, कोई गटर ना खुला हो, वैसे यहाँ कभी गटर होगा नहीं, साइड में कोई गटर तो नहीं है ना बीच में। अल्लाह का नाम लेके चले, चलो गटर वटर होगा तो देखा जाएगा, साइड से निकल चलो, पानी भरा हुआ है बहुत ज़्यादा। इस गली में मैं इसलिए आया हूँ भाई कि आपको ये साइड में जो काम है ये दिखा सकूँ, इसकी बैरिकेडिंग देखिए जिसकी वजह से इस रूट को थोड़ा पतला कर दिया गया है, जब ये पूरे तरीके से ये रूट चालू हो जाएगा, इसका काम ख़त्म हो जाएगा तो ये बैरिकेडिंग हटाई जाएगी, तब ये रूट थोड़ा सा चौड़ा होगा। ये देखिए भाई यहाँ से आप देख सकते हैं किस तरीके से काम किया जा रहा है, जिसकी वजह से बैरिकेडिंग लगी है। सामने में ख्याल से कुछ मशीनें रखी गई हैं जो नीचे अंडरग्राउंड ट्रैक पे, इसको ट्रैक पे इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए या और किसी काम के लिए मंगाई गई है। फिलहाल आप ये देखिए कितना खुदाई हो रखी है और काम लगातार प्रोसेस में है, जो आप देख सकते हैं सीधा रूट चला गया आगे नौबस्ता साइड में, और यहाँ पर ये अंडरग्राउंड है। फिलहाल हम चलते हैं आगे, आपको दिखाने की कोशिश करेंगे एलिवेटेड रूट। ये कौन सा एरिया है? हाँ जूही भाई, गड्ढा मिला होता तो हम नहीं दिखते आपको अच्छा ठीक है भाई, ये जूही एरिया है। ये चौराहा जो है वो कौन सा है? मेन चौराहा जो जूही के नाम से है। अच्छा ये देखिए भाई हम निकले हैं यहाँ पर, ट्रांसपोर्ट नगर यहाँ से 50 मीटर दूर है, बारा देवी चौराहा 1 किलोमीटर और बाईपास जो है वो 3.20 किलोमीटर। ये चौराहा आप देख ले, सीधे चलना है हमें। देखिए जो चुन्नीगंज से कानपुर मेट्रो, चुन्नीगंज से लेकर नयागंज होते हुए कानपुर सेंट्रल होते हुए झकरकटी
और ये जूही जो एरिया आपने देखा, यहाँ से होते हुए आगे ही निकल रही है, ये पूरा रूट अंडरग्राउंड होने वाला है। आगे जहाँ से रूट ऊपर आ रही है मेट्रो, तो वहाँ का मैं काम आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, हमारे जस्ट सामने ही है। ये देखिए भैया, भारी भरकम मशीनें रखी हैं, क्रेन रखी हैं, यहाँ पर लगातार काम किया जा रहा है। मेन काम जो मैं बता दूँ फेज़ वन का, वो यहाँ पर किया जा रहा है। आप ये सब देख सकते हैं भाई, बड़ी बड़ी चीज़ें यहाँ पर रखी गई हैं, क्योंकि यहाँ पर मेट्रो स्टेशन भी कई सारे बनने हैं। और यहाँ से जो रूट है, अंडरग्राउंड रूट है, वो निकल रही है बाहर को, यानी मेट्रो चुन्नीगंज के बाद से यहाँ पर जो है एलिवेटेड होने वाली है। ये देखिए भाई, UPMRC इसमें काम कर रही है, कानपुर मेट्रो प्रोजेक्ट है भाई। ये एरिया जो है यहाँ पर, मुझे पता चला जूही नहरिया के नाम से, ठीक है। तो यहाँ पर ये मेट्रो जो है ऊपर आ रही है। ये देखिए भाई, लोहा देखिए, सरिया, ये सब कॉन्क्रीट, ये सब स्लैब डाल दी जाएगी RCC, और यहाँ से ट्रेन जो है हमारी एलिवेटेड हो रही है। मेट्रो रूट जो है वो एलिवेटेड हो रहा है, सामने आप देख सकते हैं, इसके ऊपर जिसके ऊपर ट्रैक डाला जाएगा, उसके लिए जो स्लीपर जहाँ पर होते हैं वहाँ पर सरियों के आपको छल्ले नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। तो वहाँ पर उसके ऊपर ट्रैक बिछाया जाएगा। तो अभी इसमें काफ़ी ज़्यादा काम है, लेकिन इस रूट को भी नवंबर तक चालू करने की इनकी पूरी प्लानिंग है, नव भारत टाइम के अनुसार भाई। तो उसके बाद इस पूरे रूट को नवंबर तक चालू होने की उम्मीद है। काम में तेज़ी देखिए भाई, मेरे पुराने वीडियो उठा के आप उसको देख सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं इस मेट्रो स्टेशन के रूट का, और अंदाज़ा लगा सकते हैं। देखिए मैं बारह देवी मंदिर के पास हूँ, तो ये बारह देवी मेट्रो स्टेशन है नीचे जो निकल के गया, इसके आगे हमें पड़ने वाला है एक मेट्रो स्टेशन, चल के हम देखते हैं। मैं हमेशा कन्फ्यूज़ हो जाता हूँ इस रूट पर मेट्रो स्टेशन के नाम को लेकर। ये है किदवई नगर मेट्रो स्टेशन, ठीक है। सामने ही बोर्ड भी लगा दिया गया है, छोटा सा एक बोर्ड लगा हुआ है येलो कलर का, ऊपर उस पर लिखा हुआ है किदवई नगर मेट्रो स्टेशन, और ये एरिया है किदवई नगर का, ठीक है। तो इसका भी देखिए, मेट्रो के जो स्टेशन है इसका काम अंडर प्रोसेस है, ठीक है। ये देखिए काफ़ी तेज़ी से काम किया जा रहा है। इधर देखिए सीढ़ियाँ वगैरह ढाल दी गई हैं, और इसकी जो स्टेशन की जो बेस है, बेस ढलाई है, उसका काम हो चुका है। इसके ऊपर जो है दीवारें और जो बाकी ऑफिस वगैरह हैं उसकी, उसके लिए काम किया जा रहा है। तो ये है किदवई नगर मेट्रो स्टेशन, इसके आगे हमें मिलने वाला है वसंत विहार, लेकिन हम जो है इसके आगे नहीं जाएंगे, ये बाईपास से ही हम वीडियो को ख़त्म कर देंगे भाई, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी लंबा हो रहा है। फिर हम चलेंगे फेज़ टू की तरफ, और उसका आपको काम दिखाने की कोशिश करेंगे कि कितना हुआ है कितना नहीं हुआ है। फेज़ टू का जो रूट है वो होने वाला है आपका रावतपुर से पर्रा 8 तक, ठीक है। तो हम उधर चलेंगे, वो दिखाने की कोशिश करेंगे। तो भाई ये लीजिए, हम आ चुके हैं नौबस्ता चौराहा, और ये बाईपास है, और यहाँ पर हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे, सीधे चले जाएंगे नौबस्ता मेट्रो स्टेशन हमें मिलने वाला है, फिर उसके आगे बम्बा, और इस तरह से ये रूट को कंप्लीट किया जा रहा है, ठीक है। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ पर ख़त्म करूँगा, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। कोशिश करूँगा मैं कि इसका जल्दी दूसरा पार्ट भी आपको दूँ, यानी कानपुर मेट्रो फेज़ 2 का, ठीक है। तो भाई वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।